आप सबका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और आई एम सॉरी, मैंने बहुत टाइम से इस चैनल पे कोई लॉन्ग वीडियो अपलोड नहीं की है, एंड आई एम सॉरी फॉर दैट। बट मैं बहुत टाइम से सोच रही थी वीडियो अपलोड करने का, तो अब मुझे इससे ज़्यादा और अच्छा मौका नहीं मिल सकता, क्योंकि अभी अभी रिसेंटली जहाँ मैं रहती हूँ सोलन में, शूलिनी मेला होके हटा है, एंड मैं माँ शूलिनी को बहुत मानती हूँ। तो इससे ज़्यादा पॉजिटिव और अच्छा मौका मुझे नहीं मिलता अपने व्लॉग चैनल को दोबारा से रीस्टार्ट करने का। सो आई थॉट इस मौके को गंवाना नहीं चाहिए, एंड आई स्टार्टेड दिस व्लॉग। सो आई होप अब मेरी व्लॉग जर्नी बहुत अच्छी रहेगी विद यू गाइस। तो आप लोगों को मुझे सपोर्ट करना है, तो ओके मैं स्टार्ट करती हूँ इस वीडियो को। पहले तो जिन भी लोगों को माँ शूलिनी के बारे में नहीं पता है, मैं उनको माँ शूलिनी जी के बारे में बताती हूँ। जो थोड़ी बहुत हिस्ट्री मुझे पता है, जो थोड़ा बहुत लोकल मान्यताओं के हिसाब से मुझे पता है, मैं वो सब आपको बताती हूँ, ताकि आप लोगों को भी थोड़ा आइडिया हो जाए कि माँ शूलिनी जी का फेयर मेला हमारे लिए कितना कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि हमारे लिए ये दूसरी दिवाली होती है। हम लोग पूरा साल इसका वेट करते हैं, एंड जब लॉकडाउन में ये मेला नहीं हुआ था, हमें दिवाली की भी कोई खुशी नहीं हुई थी, हमें किसी चीज़ की कोई खुशी नहीं हुई थी, क्योंकि हम सोलन वासी इस मेले को जी जान से प्यार करते हैं। तो चलो मैं आपको इस मेले के बारे में बताती हूँ, पहले मैं आपको ग्लिम्प्स दिखाती हूँ। इसलिए मैं पढ़ पढ़ के बोलूँगी, क्योंकि मैं इस चीज़ में बिल्कुल गड़बड़ नहीं करना चाहती कि मैं आपको हिस्ट्री और मान्यताओं के बारे में, जो लोकल मान्यता है उनके बारे में कुछ भी गलत या थोड़ा बहुत अभी इधर उधर बता दूँ, इसलिए मैं पढ़ के बताऊँगी। तो माँ शूलिनी जी को माँ दुर्गा जी का मूल स्वरूप माना जाता है, और माना जाता है कि माँ शूलिनी जी का जो अवतार हुआ है वो शिव जी के आशीर्वाद से हुआ था। तो माँ शूलिनी जी को पहाड़ों की रानी के नाम से भी जाना जाता है, और बहुत लोग माँ शूलिनी जी को शूलिनी, सलोनी ऐसे करके भी पुकारते हैं। तो जो माँ शूलिनी जी हैं वो सोलन वासियों के लिए, सोलन हिमाचल प्रदेश वाले वासियों की माँ कुल देवी हैं, जो माँ शूलिनी माता है। और जो सोलन सिटी है उसका नाम माँ शूलिनी जी के नाम पे ही रखा गया है, तभी नाम रिजेंबल होता होगा, आप समझ रहे हैं। तो सोलन वालों की बहुत आस्था और बहुत श्रद्धा है माँ शूलिनी में। हमारे लिए माँ सब कुछ है, मतलब मैंने आपको पहले ही बताया कि हम दिवाली से भी ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं माँ शूलिनी के मेले के लिए, क्योंकि बस ये एक फीलिंग है, मैं बोल के समझा नहीं पाऊँगी। तो सोलन को इतना सुंदर दुल्हन की तरह सजाया जाता है, पहले मैं आपको बीच में वो ग्लिम्प्स दिखा देती हूँ, ताकि आप बीच बीच में ग्लिम्प्स देखें और बीच बीच में मेरी बातें सुने, ताकि आप बोर भी ना हो और आपको वीडियो देखने में भी मज़ा आए। माँ शूलिनी जी के बारे में जो वर्णन है वो बहुत सारे हमारे पुराणों में दिया गया है, जैसे गरुड़ पुराण में, शिव पुराण में, स्कंद पुराण में। और माँ शूलिनी जी का नाम माता काली के हज़ार नामों में से एक भी है। तो इन सब में हमें पता चलता है कि माँ शूलिनी जी का वर्णन बहुत साल पुरानों से और बहुत हमारे ग्रंथों से चलता आ रहा है। तो अभी तक मुझे माँ शूलिनी जी के बारे में इतना ही पता है। हमारे एक बहुत प्यारे सर हैं, उन्होंने बहुत प्यारी वीडियो बनाई थी, मोहित सहगल सर, अगर आप चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर भी उनकी रील देख सकते हैं, उन्होंने बहुत प्यारी रील बनाई है माता शूलिनी जी के ऊपर। पर अभी तक उनकी स्टोरी भी पूरी नहीं है, वो भी अभी रिसर्च कर रहे हैं शायद। तो जैसे ही मुझे पूरी स्टोरी पता चलेगी मैं भी आपको तभी बताऊंगी, मैं ऐसे मिस इन्फॉर्मेशन क्रिएट नहीं करना चाहती और कुछ भी गड़बड़ नहीं करना चाहती, क्योंकि मेरी बहुत आस्था है माता में। तो अभी तक तो मुझे माता की हिस्ट्री के बारे में इतना ही पता है, बाकी अब मैं आपको मेले के बारे में बताती हूँ। जो माँ शूलिनी जी का मेला है वो जून के लास्ट वीक में स्टार्ट होता है, 3 दिनों का यह मेला होता है, और इसमें सोलन को ऐसे सजाया जाता है जैसे दिवाली पे भी आप अपना घर नहीं सजाते होंगे, बिल्कुल वैसे सोलन को सजाया जाता है, फ्लावर्स, लाइट्स और भंडारे, जग, पता नहीं किस किस चीज़ का आयोजन होता है, छोटे छोटे स्टॉल्स लगे होते हैं बच्चों के लिए,
और बहुत सारे लोग दूर दूर से आते हैं अपने स्टॉल्स पे, कपड़े कपड़े के स्टॉल्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ों के स्टॉल्स होते हैं, और मतलब मैं बता नहीं सकती, मैं सिर्फ आपको दिखा सकती हूँ। पहले दिन तो माता जी की पालकी की पहले पूजा की जाती है मंदिर में, देन उसके बाद माता की पालकी को पूरा सजा के, जो माता की पालकी के कमेटी वाले होते हैं वो माता की पालकी को उठाते हैं, एंड देन माता के मंदिर शूलिनी माता जो मेन बाजार में मंदिर है वहाँ से उनकी जर्नी स्टार्ट होती है, एंड वो पूरे सिटी का एक चक्कर लगाती है माता, एंड देन अपने सिस्टर के मंदिर में वो वापस जाते हैं। तो ये बहुत ब्यूटीफुल सी एक जर्नी होती है जिसमें बहुत सारे श्रद्धालु उनको माथा टेकने आते हैं, दर्शन करने आते हैं उनकी पालकी का, एंड बहुत सारे ट्रेडिशंस हैं, जैसे सोलन में ठोडो ग्राउंड में एक ठोडो खेल होता है, देन छिंज भी होता है, छिंज मतलब कुश्ती काइंड ऑफ, एंड बहुत सारे खेल होते हैं, बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं, बहुत सारे पार्टिसिपेशन होते हैं, और ठोडो में तो अलग ही चल रहा होता है, ठोडो में तो पूरा मेले का माहौल होता है, और माता की पालकी के पास पूरा दर्शन और पूरा डिवाइन माहौल होता है जो कि बहुत बहुत ही डिवाइन होता है, उसको और किसी वर्ड में एक्सप्लेन नहीं कर सकते, दैट इज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड एक्सपीरियंस। पालकी अपने मंदिर से स्टार्ट होते हैं, तो माता की पालकी को जो लोग लेके जा रहे होते हैं वो इतने वेल ऑर्गेनाइज्डली लेके जा रहे होते हैं कि इतनी भीड़ में, इतने सारे लोगों के बीच में भी वो इतने अच्छे से मैनेज करते हैं कि बहुत लोग आराम से माथा टेक सकते हैं, उनको प्रसाद भी मिलता है, दर्शन भी बहुत अच्छे से मिलते हैं, जो कि देखने लायक होता है, क्योंकि इतनी भीड़ में इतना अच्छे से मैनेज करना इज क्वाइट इम्पॉसिबल। एंड जो माता की झांकी से आगे लोग जा रहे होते हैं, जिन्होंने वो माता की पालकी के लिए रास्ता साफ करने की ड्यूटी ली होती है, वो इतना अच्छे से करते हैं, और फिर माता की पालकी के आगे ढोल नगाड़े बजते हुए जाते हैं, माता की पालकी के पीछे लोग पूरा माता के भजन गाते हुए जयकारे लगाते हुए जाते हैं, वो देखने वाला एक्सपीरियंस है, और अगर तो आप सोलन आ सकते हो तो ये वो एक्सपीरियंस करने वाला एक्सपीरियंस है, वो देख के भी नहीं, बोल के भी नहीं बताया जा सकता, वो बस देखने वाला एक्सपीरियंस है, वो फील करने वाला एक्सपीरियंस है, तो आप करना ज़रूर अगर पॉसिबल है। एंड छोटे होते तो फिर वो जो झांकियाँ निकलती थी जिसमें हनुमान जी बने होते थे, शिव जी बने होते थे, बहुत सारे अलग अलग देवी देवता बने होते थे, फिर अलग अलग डांसेस होते थे, नृत्य होते थे, अलग अलग बहुत सारी कैटेगरी के पालकियाँ झांकियाँ बहुत सब निकलती थी, वो सब देखने वाली चीज़ें होती हैं, तो बहुत ही ब्यूटीफुल होता है। तो माता की पालकी पूरे शहर के सेंटर तक जाते हैं, वहाँ पे सबको दर्शन देने के बाद फिर वहाँ से मुड़ते हैं अपनी पालकी के साथ, फिर वहाँ पे सारे भक्त माता के पीछे पीछे, जिन्होंने दर्शन करने होते हैं वो दर्शन करते हैं, जिन्होंने माता की पालकी के साथ वापस मंदिर तक जाना होता है, क्योंकि मंदिर में जाके वो अपनी सिस्टर के मंदिर में जाते हैं, माँ दुर्गा के मंदिर में जो गंज बाजार में है, जब वहाँ को जा रहे होते हैं तब तो बहुत ही मतलब, एक तो रात हो गई होती है तो बहुत ज़्यादा जगमग जगमग सी दिखाई देती है पूरा सोलन, एंड लोग वहाँ पे जब वापस जाते हैं तो लोगों के घर आते हैं बीच में, तो लोग अपने घर से ना जैसे फूलों की बारिश कर रहे होते हैं, बिल्कुल लिटरली वो फीलिंग आती है कि फूलों की बारिश हो रही है,
एंड लोग बहुत ऊंचे ऊंचे जयकारे लगा के, बहुत ऊंचे ऊंचे भजन गा के माता की पालकी को वापस ले जा रहे होते हैं। वो बहुत ही सरियल सी फीलिंग आती है कि मतलब ऐसा लगता है कि मतलब भगवान ऊपर से फूलों की वर्षा कर रहे हैं माता के लिए। बहुत ही अमेजिंग लगता है वो तो। फिर माता जी की पालकी को माता के दुर्गा माता के मंदिर के अंदर ले जाया जाता है माता को। फिर उसके बाद वहां पे उनको विराजित किया जाता है। फिर वहां पे उनकी पूजा आरती होती है और लोग मतलब श्रद्धालु इतने अच्छे से पूजा आरती वगैरह करते हैं। देन एक एक करके माथा टेकते हैं, प्रसाद लेते हैं, अपने घरों को जाते हैं। एंड रात के आई थिंक 1 या 2 बज जाते हैं। इकट्ठे होके माता के पालकी के लिए, माता के मेले के लिए सब लोग पूरा 16 ऐसे एकजुट हुआ होता है, जो कि बहुत अच्छा लगता है। देन ये तो माता की पालकी के अराउंड वाली चीज़ें। देन अलग सा एक बिल्कुल अलग ही एंटरटेनमेंट और वो सब चल रहा होता है ठोडो ग्राउंड में। ठोडो ग्राउंड में जिस दिन ये माता की पालकी का पूरा दर्शन और पूरे ये सब चल रहा होता है कि लोग दर्शन करने आते हैं, उसी दिन वहाँ पे ठोडो ग्राउंड में स्टार नाइट होती है। बहुत सारे लोग इधर उधर पार्टिसिपेट करने आते हैं, बहुत कॉम्पिटिशन्स होते हैं, इतने झूले लगे होते हैं, इतना रश होता है कि कांट एक्सप्लेन। पैर रखने तक की जगह नहीं होती है ठोडो ग्राउंड में, पर इतना सुंदर लग रहा होता है सब कुछ। मैं आपको दिखाती हूँ। उस रात तो फिर वो 2 दिन और वहाँ रुकती हैं। वो प्रॉपर 3 दिन का होता है, फ्राइडे सैटरडे संडे। तो फिर माता उसके बाद अपने टेम्पल में वापस जाती हैं, तब ये मेला एंड होता है। तो पूरे 3 दिन तो सोलन मतलब बहुत ही ब्यूटीफुल होता है। अगर आपको कभी भी आना है तो आप जून के एंड के वीक में, जो एंड का फ्राइडे होगा, उसमें ज़रूर सोलन विजिट करना। और ये मेला देखने वाला होता है, और ऐसा भी कुछ नहीं कि बहुत क्राउडेड होता है, बहुत ऐसा होता है, मैंने आपको बताया। बहुत इजीली दर्शन हो जाते हैं। जो पालकी के साथ वाले जो कमेटी वाले मेंबर्स होते हैं वो बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं। बहुत सारी पुलिस होती है और बहुत अच्छे से मैनेज हो जाता है सब कुछ। थोड़ी बहुत ही गड़बड़ तो हर चीज़ में होती रहती है, बट ये माँ शूलिनी की कृपा है कि बहुत अच्छे से सब कुछ होता है, और मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो मैं आपको तो सिर्फ इतना बोल सकती हूँ कि आप ज़रूर विज़िट करना नेक्स्ट ईयर। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो बताना। और बस मैं तो बहुत खुश हूँ कि मैं इस मेले पे वीडियो बना पाई, एंड क्योंकि मुझे बहुत टाइम से बनानी थी, पर मुझे ऐसे लग रहा था मैं केपेबल नहीं हूँ, बट मैंने बना दी। तो आप मुझे बताना ज़रूर, और आप आना ज़रूर। मेरी तरफ से आपको 1 साल पहले ही इन्विटेशन है। तो एवरीवन, जो भी आप लोग देख रहे हैं, शूलिनी मेले में ज़रूर आना, माता के दर्शन करोगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। सो दैट वॉज इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नाउ बाय बाय। वीडियो बना ले, वीडियो चल बड़े।